इस वीडियो में डबल मीनिंग जोक्स हैं जो कुछ लोगों के लिए अनअप्रोप्रिएट हो सकते हैं, तो वॉच आउट एंड एंजॉय द वीडियो। और पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे रोमियो और जूलियट एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, पर रोमियो को बिल्ली से प्यार हो जाता है और फिर जूलियट को भी रोमियो से प्यार हो जाता है, पर दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, इसलिए दोनों को प्यार करना है तो चुपके से करना होगा, क्योंकि वो स्कूल में है इसलिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। इसलिए जूलियट उसके साथ घूमने के लिए लड़का भी बनती है, पर रोमियो साला ठरकी उसकी पैंट उतार देता है। फिर एक बिल्ली के नकली कान वाली लड़की उनका राज सबको बताने की बात करती है, पर उसका राज रोमियो को पता चल जाता है। फिर स्पोर्ट फेस्टिवल आता है और रोमियो और जूलियट काफी प्रैक्टिस करते हैं, और जूलियट उसको एनकरेज करने के लिए उसको बोलती है कि अगर वो MVP बन जाएगा तो वो उसको इनाम में जो वो चाहेगा वो देगी। फिर स्पोर्ट फेस्टिवल का दिन आ जाता है और रोमियो मोटिवेटेड है MVP बनने के लिए, ताकि वो जूलियट की चीखें निकाल सके पूरे 6 सेकंड के लिए। हालांकि जिस तरह से ब्लैक डॉग का हाउस मास्टर हकलाकर बोल रहा है, ऐसा लगता है कि उनकी टीम को फर्स्ट प्राइज की जगह एक दूसरे के पिछवाड़े से काम चलाना पड़ेगा। फिर जब स्टूडेंट्स गेम के लिए रेडी हो रहे थे तो सुखी गलती से आईबी से टकरा जाती है, जिस गंदी शक्ल वाले को ये लगता है कि वो उसके पेट के बिस्कुट को फील करना चाहती है और वो उसे परेशान करना शुरू कर देता है, जिसको देख रोमियो गधे के बच्चे की बैंड बजाने आता है। जूलियट घोषणा करती है कि अब ब्लैक डॉग का टाइम आ गया है और अब उन्हें अपने बिल में वापस जाना होगा, पर रोमियो उसकी बात से पीछे नहीं हटता और फिर खेल शुरू होता है, जिसमें पहला गेम रस्सी खींचने का है। और जब मैच शुरू होता है तो ब्लैक डॉग आसानी से रस्सी को अपनी ओर खींच लेती है, जिससे व्हाइट कैट कमजोर नन्ही बिल्ली के बच्चे लगने लगते हैं। लेकिन अचानक चीजें बदल गई, क्योंकि सोमाली व्हाइट कैट के लड़कों के लिए सुपरमैन बन जाती है। हालांकि जब एबी उसकी ताकत के लिए उसकी तारीफ करता है तो वो गधे की बच्ची शर्मा गई और उसने रस्सी छोड़ दी, जिससे ब्लैक डॉग को उनकी पहली जीत मिल जाती है और व्हाइट कैट मिट्टी में रगड़े जाते हैं। अगले गेम ट्रैक पर रेस की है, लेकिन ये रेस चार और मारू के बीच की है। मारू स्टार्टिंग में आगे निकल जाता है और अपनी जीत पक्की करने के लिए रास्ते में चुभने वाले स्पाइक गिरा देता है, पर राजकुमारी चार अपने चेलों के कंधों पर सवारी करते हुए आगे बढ़ती है, जिनको मारू के स्पाइक को झेलना पड़ता है। और जब मारू रेफरी को जो नाटक चल रहा है उसके बारे में बताता है, तब तक व्हाइट कैट रेस जीत जाती है और स्कोर बराबर कर लेती है। कुछ और गेम के बाद आधा टाइम खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कोई पूरे तरीके से विनर नहीं बना है, क्योंकि दोनों ग्रुप के स्कोर बराबर हैं। ब्रेक के टाइम पर जूलियट और रोमियो एक गुप्त जगह पर मिलते हैं और जूलियट उसे बताती है कि उसकी माँ ऑडियंस में है, जिसका मतलब है कि उसे MVP टाइटल जीतने और अपने पिता के परमिशन पाने के लिए पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। रोमियो पापा की परी की बात को अनदेखा कर देता है और उत्साहित हो जाता है, ये जानकर कि वो जल्द ही उसके माता पिता से मिलेगा और अपनी लंबी वाली तलवार को जूलियट की म्यान में डाल पाएगा। लेकिन जूलियट ने उससे कहा कि वो जब चाहे उसका शहद चाट सकता है। कुछ मिनट बाद सेकंड हाफ शुरू होता है और एक चीयरलीडिंग कंपटीशन के साथ फिर से शुरुआत होती है, जिसके बाद एक स्टिक डाउन कंपटीशन होता है। लेकिन जब ये सब चल रहा था, एबी और समाली पीठ पीछे कुछ चाल चलने की योजना बना रहे थे। लड़कियों के मैच में जूलियट आगे थी और उसने एक पोल पकड़ लिया और व्हाइट कैट्स को जीतने के लिए एक और धक्के की जरूरत थी, इसलिए सोमाली उसकी मदद करने के लिए आई। हालांकि एक पल के लिए सोमाली ने जूलियट की ओर एक डरावनी नजर से देखा और फिर अपने कील वाले जूतों का इस्तेमाल करके जूलियट के पैरों पर चढ़ गई, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई और पोल नीचे गिर गया। जूलियट को गहरी चोट लगती है, लेकिन जब चार उसे देखने के लिए आई तो उसने बताया कि सब ठीक है और वो अगले गेम के लिए रेडी है। और अब व्हाइट कैट्स 50 पॉइंट से आगे चल रही है। फीमेल रिले रेस में सुखी शुरुआत में सबसे आगे होती है, लेकिन फिर जूलियट उसे पछाड़ना शुरू कर देती है, पर जैसे ही वो जीतने वाली थी उसके पैर में दर्द होने लगता है और वो सिक छोड़ देती है और जमीन पर पसर जाती है। रोमियो ने तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन चार ने उसे रोक दिया, ये कहते हुए कि इससे उनके रिलेशनशिप का खुलासा हो जाएगा, इसलिए उसे कुछ भी ना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और व्हाइट कैट के बंदे उसकी जांच करने के लिए जाते हैं, हालांकि हर किसी को उसकी सेहत की परवाह है। जब जूलियट वापस उठने की कोशिश कर रही थी तो एबी उसके पास गया और बोला, देखो इस छोटी बच्ची को, ये फेलियर है। और कुछ व्हाइट कैट के गधे लड़के उससे सहमत होते हैं। जब ज्यादा लोग जूलियट को तरह तरह के नामों से पुकारने लगते हैं तो रोमियो आगे बढ़ा और उन्हें चुप रहने के लिए कहा, और चार ने एबी को धमकी दी और कहा
कि जो उसने किया है उसके लिए वो उसको छोड़ेगी नहीं। हालांकि एबी ने उसकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया और जब वो सोमाली के साथ बात करता है तो वो उसे कहता है कि अब उनके सपनों के रास्ते में एकमात्र रोमियो है जिसको उन्हें हराना होगा। दूसरी ओर चार्ल ने रोमियो को बताया कि एबी जूलियट के खिलाफ ग्रुप बना रहा है और व्हाइट कैट को अपने कब्जे में करना चाहता है और उसी ने सोमाली को बोला था कि वो जूलियट को उसके जूते से घायल कर दे ताकि वो आने वाले खेलों में खेल न पाए और डिस्क्वालीफाई हो जाए। यही कारण है कि जूलियट गेम में भाग नहीं ले पा रही है क्योंकि उसके पैर में काफी चोट आई है जिसकी वजह से वो रोने लगी ये मानते हुए कि वो एक कमजोर प्लेयर है। हालांकि गुस्से से भरे रोमियो ने उसे अगले गेम में उसको देखने को कहा क्योंकि वो गंदी शक्ल वाले एबी की बैंड बजाने वाला है और वो भी ऐसे कि उसको उसकी मम्मी का दूध याद आ जाएगा। जब खेल शुरू होने वाला था तो रोमियो और मारू के बीच बहस होने लगती है। मारू बोलता है कि वो रोमियो को उसकी सवारी नहीं करने देगा और वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है जो डॉग स्टाइल के लिए रेडी रहती है हमेशा, और रोमियो रिक्वेस्ट भी करता है पर मारू उसको अपनी सवारी करवा के अपनी सील नहीं तोड़ाना चाहता है और अपनी इमेज भी खराब नहीं करना चाहता है। इस बीच कंपटीशन काफी आगे बढ़ गया है और सुकी फाइनल में अपनी जगह बनाने ही वाली थी लेकिन एबी उसे एक खतरे के रूप में देखता है इसलिए उसने चीटिंग करी और उन लड़कियों को घुटनों पर ले आया और उसको गेम से बाहर कर दिया। एक के बाद एक ब्लैक डॉग के बंदों को निन्नी आने लगती है लेकिन ये भी एबी की चालों में से एक चाल है क्योंकि उसने अपने बंदों को चुपके से बोला था उनकी पानी की बोतल में नींद की गोली डालने को। ब्लैक डॉग की गिनती बहुत कम थी, बस मारू और रोमियो ही बचे थे लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि वो हार चुके हैं जूलियट अपने जूलियो के रूप में बाहर आई और उनको चीयर करने लगी। रोमियो के लिए ये उसके प्रेमी का प्रोत्साहन था और मारू के लिए अजीब था क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि जूलियो उसका हौसला बढ़ाएगा, इसलिए वो दोनों उत्साहित हो गए और व्हाइट कैट को बुरी तरह पेलना शुरू कर दिया और फिर बस एबी की टीम बची। और जैसे ही एबी ये बताने लगता है कि उसकी टीम में सबसे सख्त लौंडे और लौंडिया है, उसके दो लौंडे गिर जाते हैं और उसे एहसास हुआ कि सूजी ने उन्हें करंट मारकर गिरा दिया है। उसने फाउल करने की कोशिश की लेकिन मारो ने उसे याद दिलाया कि उसने पहले ब्लैक डॉग के पानी में नींद की गोलियां मिलाई थी ना, और अब उसे उसकी ही चाल का स्वाद चखा रहे हैं। सोमाली ने एक सुपर किक से उसे नीचे गिराने की कोशिश की लेकिन रोमियो ने हवा में ही उसका पैर पकड़ लिया। उसके जूतों को देखकर वो समझ गया कि जूलर की चोटों के लिए वही जिम्मेदार थी। जैसा कि चार्ल ने बताया था, एबी को लगा कि वो अपनी दर्द भरी कहानी जिसमें वो सांड की तरह मोटा हुआ करता था फिर वो पतला हुआ सुनाने के बाद रोमियो को इजीली हरा देगा, लेकिन जब उसने अपना सबसे ताकतवर पंच मारा तो रोमियो को घंटा कुछ नहीं हुआ और फिर रोमियो ने तुरंत एबी को दिखाया कि असली बॉस कौन है। सिर्फ एक हाथ से उसके गंदे चेहरे को पकड़ लिया और एक बड़े धमाके के साथ उसको जमीन पर पटक दिया। ब्लैक डॉग ने राउंड जीत लिया और पूरा क्राउड उनके लिए चीयर करने लगता है लेकिन रोमियो जीत के बाद भी खुश नहीं है। उसने बोला कि व्हाइट गार्ड को हराना तो काफी आसान था क्योंकि उसने बिल्ली की बच्चों को हराया है, उनकी लीडर पुसी कैट जूलियट को नहीं। और रोमियो जूलियट को रिंग में बुलाता है। जूलियट जो समझ जाती है कि रोमियो उसकी हेल्प कर रहा है इमोशनल हो जाती है लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और अपने टीम के चार लोगों की मदद के साथ खुद को रेडी किया ताकि वो रोमियो का सामना कर सके और टाइटल जीत सके। फाइट शुरू हुई और भले ही जूलियट घायल थी उसने रोमियो को आसानी से जीतने नहीं दिया। जैसे ही क्राउड ने जूलियट की डेडिकेशन देखी तब लोग उसके लिए चीयर करने लगे और ताली बजाने लगे ताकि उसका हौसला और बढ़े। रोमियो टाइटल जीतने के लिए रेडी था लेकिन जूलियट के फेस से पंच मारने के बजाय उसका निशाना चूक गया और ब्रो गलती से उसने जूलियट के पकड़ लिए जो कि उसको सॉफ्ट लगे। सबके होश उड़ गए और स्कोर के जो चश्मे फट गए और रोमियो की नाक से लाल चटनी निकलने लगी जिसमें वो डूब गया। रोमियो की सुहागरात में पक्का लड़की से ज्यादा रोमियो से खून निकलेगा। मिल्की मैडनेस की वजह से वाइल्ड हेल को अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री मिल गई और रोमियो को ब्लैक डॉग के लीडर के पद से हटा दिया गया और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि लड़की के सॉफ्ट संतरों के मजे लेने के बजाय वो बेहोश हो गया। उसी शाम एक पार्टी रखी गई और स्कॉट जूलियट के साथ डांस करने के लिए निकल पड़ा लेकिन जब वो उसे ढूंढ रहा था चार ने उसे पहले ही पकड़ लिया और उसे अपने नॉटी किटी गेम का प्रॉमिस याद दिलाया जिसमें वो उसका काटेगी बाल काटेगी पता नहीं क्या काटेगी। इस बीच रोमियो फाउंटेन के पास बाहर बैठा था दो बड़े बड़े साइन के साथ जिसमें लिखा था कि वो एक सिंप है। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था क्योंकि अरीना के एक्सीडेंट के बाद जूलियट ने उससे बात तक नहीं की है और ब्लैक डॉग के लोगों ने भी उसको लावारिस कुत्ते की तरह बोर्ड लगाकर फाउंटेन पर छोड़ दिया है। पर तभी जूलियट सरप्राइजिंगली वहां पहुंच गई और रोमियो को अपने साथ डांस करने को बोला। बहन पहले तीन पैर से दो पैर पर तो आ जा
It's her choice. Okay, दीदी, पर तो रोमियो को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसको घंटा डांस नहीं आता, पर वो डांस करता है। डांस करते वक्त जूलियट को याद आता है कि रोमियो ने उसकी मदद की थी उसको दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। जूलियट उसको उसके दबाने के लिए थैंक यू बोलती है। मेरा मतलब है कि जूलियट जीत दिलाने के लिए रोमियो को थैंक्स बोलती है और प्रॉमिस करती है कि प्रॉम नाइट पर वो उसका एहसान चुका देगी। एक महीने बाद प्रीफेक्ट ने स्पोर्ट फेस्टिवल में जो गड़बड़ हुई थी उसके लिए मीटिंग बुलाई। ब्लैक डॉग ने सारा ब्लेम एवी पर डाल दिया जिसने अपनी ही टीम में एक इंटरनल वॉर चालू कर दी थी, जबकि वाइल्ड कैट ने कहा कि ये सब रोमियो की गलती थी और दोनों ही ग्रुप में फाइट होने ही वाली थी। लेकिन वाइल्ड कैट्स ब्लैक डॉग प्रीफेक्ट जैसे जंगली नहीं थे जो माइक टायसन की तरह किसी को भी मुक्का मार दे, इसलिए मामला जल्दी ठंडा हो गया। खेल में हारने की सजा काटने के बाद रोमियो बीमार हो गया और सुकी उसे दूध पिलाने आई, लेकिन जैसे ही रोमियो ने नींद में जूलियट का नाम लिया सुकी ने उसको डुबाने की कोशिश करी। कुछ टाइम बाद ग्रुप के मेंबर उसे कोई झगड़ा सॉल्व करने के लिए लेने आए क्योंकि अब वो उनकी नई लीडर बन चुकी है और रोमियो अपनी पैथेटिक सिचुएशन में अकेला पड़ गया। फिर वो अपनी माँ के सपने देखने लगा जूलियट के बारे में सोचते हुए, और तभी सरप्राइजिंगली जूलियट उसके सामने जूलियो के बेज में आ गई। हालांकि रोमियो को लगा कि ये शायद वो सपना देख रहा है क्योंकि जूलियट तो उसके सपने में ही आती है। जूलियट ने सोचा कि रोमियो का फीवर कुछ ज्यादा ही हो गया है और जब उसने अपना होश खो दिया तो उसने उसको जगाने के लिए उसकी गाल पर थोड़ा सा थपथपाया, लेकिन रोमियो ने अपने आप को सख्त लौंडा दिखाने की कोशिश की और बोलता है कि चली जाओ यहाँ से। जूलियट ने मना कर दिया और बोला मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगी। तब उसने देखा कि रोमियो का रूम कितना गंदा है और रोमियो ने बताया कि ग्रुप के मेंबर ने पनिशमेंट के तौर पर उसका रूम स्टोर रूम बना दिया है। फिर जूलियट को एक मैगजीन मिली जो कि लड़की के बड़े बड़े मिल्कर्स के बारे में थी और उसने कंक्लूजन निकाला कि रोमियो ने फेस्टिवल में गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर उसके संतरे पकड़े थे और वो उनको पहले से ही दबाना चाहता था। रोमियो ने समझाने की कोशिश की कि वो मैगजीन हॉस्टल के एक थोड़े से वीर बंदे ने उसको दी है ताकि वो अपना हाथ हिलाता रहे। जूलियट ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र के लड़के ऐसी चीजों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन रोमियो ने समझाया कि नहीं नहीं, मैं तो अलग हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे संतूर का रस पीना चाहता हूँ। जूलियट ने डिसाइड किया कि वो रोमियो के लिए कुछ खाने को लेके आएगी, तो वो हॉस्टल का एक छोटा सा टूर करके एक एप्पल उठा के लाई, लेकिन वापस आते वक्त उसे मारू मिल गया जो उसको देखकर समझ गया कि वो जूलियो है। और जब मारू को पता चला कि सारा नाश्ता रोमियो के लिए है, उसने जल्दी से एप्पल खा लिया और बोला रोमियो एक धोखेबाज है और उसको हॉस्टल का खाना खाने का कोई हक नहीं है। मारू को जूलियट पे शक होने लगता है और वो सच जानने के लिए उत्सुक है, इसलिए जाने से पहले जूलियट ने उस पर पानी गिरा दिया। पर जूलियट हॉस्टल के रास्तों के बारे में जानती नहीं है और वो डायरेक्टली लड़कियों के बाथरूम में घुस गई। लड़कियां चिल्लाने लगी और जूलियट पे अटैक चालू कर दिया क्योंकि वो जूलियो के रूप में थी। जूलियट वहां से भाग गई और किसी तरह से रोमियो के रूम तक पहुंच गई। वहां पहुंच के उसको उसकी यूनिफॉर्म पहननी पड़ी क्योंकि रोमियो के कपड़े पूरे गीले हो गए थे। जब वो चेंज कर रही थी रोमियो ने अपनी नजरें काबू में करने की कोशिश करी, लेकिन जब उसने जूलियट को देखा तो जूलियट ने अपने फिंगरिंग अटैक से उसे पेल दिया। तभी अचानक दरवाजे पर नोक हुई है और वो सूजी अपनी मैगजीन वापस लेने आया है। जूलियट टेंशन में आ गई और तुरंत रोमियो के साथ बेड में घुस गई। सूजी ने काफी नोक किया लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला उसने गिव अप कर दिया। जूलियट थोड़ा सा एम्बेरस हुई और रोमियो से सॉरी बोला कि उसके सॉफ्ट वाले टच ने उसका तापमान 100 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। फिर जूलियट ने एक लोरी गई जिससे रोमियो की उसकी माँ की याद आने लगी और रोमियो को जब अच्छा फील होने लगा तो वो उठ गया। रोमियो ने उसको थैंक्स बोला दूध पिलाने के लिए आने के लिए, लेकिन जूलियट ने बताया कि वो तो उसके पास लॉलीपॉप टेस्ट करने आई थी और गलती से उसको बीमारी का पता चल गया। जब रोमियो ने जूलियट की ये दिल से निकली कन्फेशन सुनी तो उसका फीवर फिर से ऊपर चढ़ गया। इस बार उसका टेम्परेचर लिटरली नर्क की आग से भी ज्यादा होने लगा। दूसरी तरफ हॉस्टल के किसी कोने में ब्लैक डॉग प्रीफेक्ट की दो बहनें रोमियो और उसकी प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर रही थी। उनमें से एक ने सजेस्ट किया कि अब टाइम आ गया है उसको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करने का। फिर वो दोनों ब्लैक डॉग के हेड प्रीफेक्ट आरू से मिली और पूछा कि क्या वो आने वाले लोकल फेस्टिवल में पार्ट ले सकती हैं, लेकिन आरू ने फेस्टिवल में उन्हें प्रीफेक्ट वॉच डॉग के रूप में शामिल होने को कहा। दूसरी तरफ स्कूल की बिल्डिंग के बाहर रोमियो जूलियट से उसी फेस्टिवल के बारे में बात कर रहा था। जब रोमियो ने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ आतिशबाजी देखना चाहती है तो जूलियट का हाँ सुनकर रोमियो लिटरली हैरान हो गया। जूलियट
थोड़ी देर बाद वहाँ से चली गई और रोमियो एक और डेट के लिए यस मिलने से पूरा एक्साइटेड हो गया। तभी अचानक एक प्रीफेक्ट काचू उसकी बाहों में गिर गई और रोमियो ने उसे पकड़ लिया, लेकिन काचू ने तुरंत बोला कि मुझे नीचे रखो जल्दी से और मेरे छोटे कपकेक्स जिनको टाइट पकड़ रखा है उनको भी छोड़ो। रोमियो ने कहा कि तुम्हारी चेस्ट तो अमेरिका की सड़कों से भी ज्यादा फ्लैट है। और जब उसने फाइनली उसे जमीन पर उतारा, काचू ने अपने नुकीले दांतों से उसको हाथ पकड़ लिया और उसको सबक सिखाया। जब रोमियो काचू के साथ लगा हुआ था तब उसकी बहन टीरिया एक पेड़ से उसके ऊपर गिर गई अपनी बचाई हुई बिल्ली को पकड़े हुए। काचू ने रोमियो को समझाया कि भले ही हम छोटी बच्ची ही क्यों न हो पर हम स्कूल में तुम्हारे सीनियर हैं क्योंकि हमें एकेडमिक टैलेंट की वजह से डबल प्रमोशन मिला है। पर रोमियो अभी भी उन्हें छोटे बदमाश ही समझ रहा है। जब सुकी उससे मिली और उसने पूरा सीन समझा तो उसने तुरंत अपना सिर झुका दिया और रोमियो के गंदे एटीट्यूड के लिए उन जुड़वा बहनों से माफी मांगी। उसने भी रोमियो से वैसा ही करने को बोला, लेकिन रोमियो किसी अकड़ू टीचर के फेवरेट बच्चों के सामने अपना सिर झुकाने को रेडी नहीं था। जब काचू ने देखा कि रोमियो अपनी बकवास बंद नहीं करने वाला, उसने डिसाइड किया कि वो उसको बताती है कि पापा की परिया कौन है। काचू बोली कि मैंने तुमको बेंच के नीचे लेटे हुए देखा था किसी रैंडम स्टूडेंट से बात करते हुए। रोमियो तुरंत पैनिक मोड में आ गया और ये सोचने लगा कि कहीं उनको उसकी और जूलियट के सीक्रेट सीन का पता तो नहीं चल गया है। लेकिन उनके दिमाग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने प्रीफेक्ट को बोला, मैं तो बेंच के नीचे चींटियों से गपशप कर रहा था। लेकिन ये बहाना उल्टा पड़ गया जब लड़कियों को लगा कि रोमियो एक अकेला अजीब इंसान है। थोड़ा रिलैक्स होने के लिए रोमियो अपने कमरे में वापस आ गया पर वहाँ जाके देखा कि दोनों लड़कियाँ पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। ये देख के वो बिल्कुल हैरान हो गया। रोमियो ने उन्हें गुस्से में डांटा कि तुम लोग मेरी प्राइवेसी में क्यों घुस रहे हो। लेकिन फिर काचू ने टीरिया के हाथ पे एक हार की तरफ इशारा किया और रोमियो समझ गया कि दोनों छोटी बच्चियां उसके कमरे में तलाशी कर रही है। रोमियो जल्दी से उछल के टीरिया के हाथ से हार छीन लेता है पर इस चक्कर में उसने टीरिया को एक रोमांटिक पोजीशन में अपने नीचे दबा दिया। काचू जो पहले से ही अपनी बहन की बॉडी से जलती है ओवर रिएक्ट करने लगती है। काचू ने बोला कि हार में कुछ गड़बड़ है और जब रोमियो को समझ में आया कि वो दोनों जुड़वा लड़कियों से बच नहीं सकता है तो वो सीधा होस्टल से भाग के फेस्टिवल में चला गया। काचू और टीरिया ने डिसाइड किया कि वो दोनों उसका पीछा करेंगे और जब वो एक बुढ़े के बाल के स्टॉल के पास से गुजर रहे थे तो टीरिया को थोड़ा उसको चखने का मन हुआ पर काचू ने याद दिलाया कि वो प्रीफेक्ट हैं, उनको ये सब अलाउड नहीं है। फिर जब वो स्कूल के कुछ बच्चों को गेम खेलते हुए देखते हैं तो उनकी नजर रोमियो पे पड़ती है जो एक अजीब सी और गंदी सी मुस्कान के साथ चल रहा है जिससे क्लियरली लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ तो शैतानी करने वाला है। जुड़वा लड़कियां उसका रास्ता रोकने के लिए उसके सामने आ गई लेकिन रोमियो जल्दी से वहां से कट लिया एक अच्छा हाइडिंग स्पॉट ढूंढने के लिए ताकि जूलियट और उसकी डेट खराब ना हो। काचू और टीरिया अपने टारगेट की तलाश में लगे रहे और रोमियो ने जूलियट को झाड़ियों में छुपने के लिए इनवाइट किया। वहाँ उसने जूलियट को प्रीफेक्ट के बारे में सब कुछ समझाया और बताया कि कैसे उनको अपनी डेट को छुपाना होगा। रोमियो और जूलियट उन दोनों जुड़वा लड़कियों से जमीन पानी और आसमान में भी बचते हैं और फाइनली वो एक छोटे से बैरल में घुस जाते हैं तब तक के लिए जब तक कि वो दोनों फेस्टिवल से चली नहीं जाती है। हालांकि दोनों के शरीर की गर्मी ने माहौल काफी अनकंफर्टेबल बना दिया। रोमियो के दिमाग में काफी कुछ चल रहा है और एक आवाज तो उससे कह रही थी कि जूलियट के साथ ढाकी चिकी करनी चाहिए। इस दौरान दोनों लड़कियां रोमियो को ढूंढने में फेल हो गई और जब वो वापस ही जाने वाली थी तभी एक स्टॉल से अचानक से जोर की आवाज आई। ये आवाज दो बड़े आदमियों की थी जो किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। काचू ने तुरंत उन दोनों आदमियों को ऑर्डर दिया की फाइट बंद करो पर बड़े आदमी छोटी सी बच्ची की बात क्यों सुनेंगे और उन्होंने अपनी मुट्ठी की ताकत से दोनों को कुचलने की कोशिश की लेकिन काचू और टीरिया ने उनको चकमा दे दिया। फिर टीरिया ने तो एक आदमी को मछली के जाल में ही फंसा लिया। काचू ने दूसरे गंजे आदमी का सामना किया जो कि कराटे के मूव दिखाने लगा। फिर काचू ने अपनी जेब से एक पर्पल पाउडर निकाला और सीधा उसके फेस पे उड़ा दिया जिससे बेचारा आदमी सीधा गहरी नींद में चला गया। भीड़ ने दोनों बहनों को चीयर किया और बोला कि कितनी अच्छी प्रीफेक्ट है दोनों। लेकिन पता नहीं क्यों काचू और टीरिया अब भी कुछ उदास ही लग रही है और रोमियो ने जैसे ही देखा उसे समझ आ गया कि अब क्या करना है। जब दोनों बहनें वापस घर जाने वाली ही थी तभी अचानक काचू के चेहरे पे एक रबर की गोली लग गई और जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा उनको रोमियो एक गेम स्टॉल के पास खड़ा दिखा। रोमियो ने उन्हें एक फेस्टिवल गेम खेलने का चैलेंज दे दिया। फिर लड़कियों ने रोमियो को हर गेम में धूल चटा दी चाहे वो निशाने का हो या ताकत का। रोमियो को लगा कि अब तो इज्जत डूबने वाली है तो उसने एक ऐसा गेम चूज किया जिसमें उसकी जीत पक्की थी, एक खाने का कंपटीशन। लेकिन इन लड़कियों ने तेजी से पाई और
आइसक्रीम उड़ा डाली और फिर रोमियो का खाना उठा के रोमियो के मुंह पर ही मार दिया। फिर काचू ने हंस के बोला कि अगला गेम क्या होगा गंदी शक्ल वाले रोमियो भैया। तो रोमियो ने बोला कि बस अब बहुत हो गया, रात हो गई, बस आज के लिए इतना ही, उसको घर पर जाकर हिलाना भी है। दूसरी तरफ लड़कियों के चेहरे पर उदासी आ गई क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से इतने मजे नहीं किए थे। रोमियो ने उनके सिर पर हाथ रखा और बोला कि कभी कभी मस्ती करना अच्छी बात होती है और ज्यादा टेंशन मत लो। ऑब्वियसली काचू को कमजोर नहीं दिखना था, उसने रोमियो का हाथ अपने सर से हटा दिया और बोली कि वो उनके साथ घूमना चाहता था क्योंकि उसकी गंदी शक्ल कीटों को ही दोस्त बना पाई है अभी तक, हालांकि वो जल्द ही उसके साथ फिर से घूमना और टाइम बिताना चाहेगी। रोमियो को प्राउड बड़े भाई वाली फीलिंग आ रही थी, पर फिर उसे याद आया कि जूलियट को तो उसने अकेले ही बैरल के अंदर बंद कर दिया था। जैसे ही रोमियो वापस जा रहा होता है, पटाखे धमाके के साथ रात के आसमान को रोशन कर देते हैं। रोमियो को अकेले ही पूरी आतिशबाजी देखनी पड़ती है और जब वो जूलियट को लेने वापस बैरल के पास गया तो बेचारी इतनी देर तक टाइट जगह पर रहने की वजह से एक ज़ॉम्बी बन गई। रोमियो ने तुरंत माफी मांगी कि वो जल्दी नहीं आ पाया, लेकिन जूलियट ने चिल करते हुए बोला कोई बात नहीं। उसने बैरल के छोटे से छेद से देखा था कि कैसे रोमियो ने जुड़वा बहनों को रिलैक्स करने और थोड़ा मजा करने में मदद की थी। फिर वो दोनों फुलझड़ी जलाते हैं और एक महीना बीत गया और एक रात चार बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह मुस्कुरा रही थी जब वो अपने कैलेंडर पे एक डेट को सर्कल करती है। वो डेट है जूलियट के बर्थडे की डेट और जब जूलियट नहा के बाहर आई उसने देखा कि चार के चेहरे पे अलग ही खुशी नजर आ रही है और जब उसने पूछा चार एक्साइटेड होकर बोलती है कि वो वेट नहीं कर सकती है उसके लिए सरप्राइज पार्टी देने का, लेकिन जूलियट को इस आइडिया से बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं हुई और उसने चार से बोला कि उसको एक स्पेशल फेवर चाहिए उससे। अगली सुबह रोमियो ने भी अपने कैलेंडर में जूलियट के बर्थडे को सर्कल कर दिया और वो सोच रहा था कि उसको क्या गिफ्ट दे, तभी काचू अचानक से उसके पीछे आ गई। रोमियो ने तुरंत झटके से एक मार्कर उठा के उसके सिर में मार दिया और पूछा कि उसकी बहन कहाँ है। काचू ने रोमियो को बताया कि टेरिया तो उसके बिस्तर के नीचे छुपी हुई है पूरी रात से, कल जब उसने उसका पीछा किया था पूरे दिन उसके बाद से, और रोमियो ने उसको एक स्टॉकर बोला। उसी वक्त काचू रैंडमली चीजों की एक लिस्ट बताना शुरू करती है जो उन्हें पड़ोसी शहर से खरीदनी है। रोमियो ने यह अपना मौका समझा और उनकी हेल्प करने के लिए मान गया। सिटी में पहुंचते ही रोमियो लोकल बाजार चला गया, पर फिर गिफ्ट की तलाश करते करते उसे फाइनली एक नकली बिल्ली का बच्चा मिला जो उसे लगा कि जूलियट के लिए एकदम परफेक्ट वाला गिफ्ट होगा, लेकिन जब वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ा तो प्रिंसेस चार ने भी सेम चीज को पकड़ लिया। फिर क्या, दोनों उस बिल्ली के नकली बच्चे को तब तक खींचते हैं जब तक उन्होंने बिल्ली की फाड़ के दो नहीं कर दी। चार ने गुस्से में रोमियो को गधे का बच्चा, गंदी शक्ल वाला, नल्ला, बेरोजगार, कामचोर, मादर और नालायक बोला जिसने जूलियट का बर्थडे गिफ्ट बर्बाद कर दिया है। रोमियो ने सोचा कि ये हमेशा ही इतनी पागल होती है या फिर आज कुछ स्पेशल वाला दिन है। दोनों की ये बचकानी हरकतें चलती रही तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और उन दोनों को रोकने ही वाला था, तभी उसने देखा कि उन दोनों में से एक तो क्वीन चार है। जब उसने पूछा कि रानी साहिबा यहाँ पे क्या कर रही है तो चार ने बोला मैं अपनी माँ की चूड़ियाँ लेने आई हूँ और टीचर ने भी उसको छुट्टी दे दी है, पर ऑफिसर ने कहा कि आपको वापस जाना होगा क्योंकि शहर में कुछ गुंडे छिपे हुए हैं जो उसकी ले लेंगे कीमती चीजें। चार ने अपनी बात मनवाने के लिए अपना चार्म यूज किया लेकिन गार्ड ने सीधा बोल दिया बहन बिना गार्ड के चोर तुम्हारी चौक में ले लेंगे कीमती चीजें। तेजी से अपना दिमाग लगाकर चार रोमियो को एक पास के कपड़ों की दुकान में ले गई और उसे एक टिपिकल व्हाइट कैट स्कूल का बच्चा बना दिया। रोमियो को देखकर ऑफिसर ने उनको गिफ्ट हंट पर जाने दिया। रोमियो को चार का एटीट्यूड इतना अनोइंग लगा कि उसने सोचा कि उसको सड़क पर छोड़कर निकल जाना चाहिए, पर तभी प्रिंसेस ने बोला कि मुझे पता है कि जूलियट को अपने बर्थडे पे क्या चाहिए। रोमियो ने पहले सोचा कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन जब चार ने बोला कि अगर गलती से उसने जूलियट को गलत गिफ्ट दिया तो उनका रिलेशनशिप भी खत्म हो सकता है, तो फिर रोमियो को उसी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर चार रोमियो को सीधा लड़कियों की अंडरवेयर की दुकान में ले गई। रोमियो पहले तो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, पर फिर दोनों में डिबेट शुरू हो गई कि जूलियट के लिए कौन सा वाला अंडरवेयर बेस्ट रहेगा। उनकी पैंटी फाइट इतनी इंटेंस हो गई कि जूलियट के रोंगटे खड़े हो गए। डॉर्म में जब चार ने देखा कि वो रोमियो के साथ घुल मिल रही है तो उसने फिर से रोमियो को बेवकूफ बोलना शुरू कर दिया। सही गिफ्ट न ढूंढ पाने के बाद रोमियो को डाउट होने लगा कि चार को वाकई में पता है या नहीं कि जूलियट को क्या चाहिए या फिर ये सब नाटक है। तब प्रिंसेस ने उल्टी चाल चली और बोला तू तो एक बेकार बॉयफ्रेंड है जिसको ये भी नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड क्या चाहती है। रोमियो ने अपने डिफेंस में बोला कि जूलियट
हमेशा से ही शांत टाइप वाली लड़की रही है और चार बोलने लगती है कि उसको उससे रिलेशनशिप तोड़ लेना चाहिए। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। दोनों ने बारिश रुकने तक छुपने के लिए एक जगह ढूंढ ली। चार अपनी जैकेट से पानी निकालने की कोशिश कर रही थी तो रोमियो ने सोचा कि लड़की की मदद कर देनी चाहिए, लेकिन उसने अपने सख्त हाथों की ताकत से शर्ट का हाल खराब कर दिया। फिर रोमियो ने चार को बोला कि तू जैकेट पहन ले क्योंकि बारिश से तेरा सब कुछ आर पार दिख रहा है। हालांकि चार ने मौके का फायदा उठा के उसका रिलेशनशिप तोड़ने का सोचा और वो रोमियो के करीब आ गई और उसने बोला कि वो जूलियट को छोड़ दे जिसके बदले में वो उसके साथ घंटों तक किटी-किटी कर सकता है। पर फिर चार को शौक लगा जब रोमियो ने उसके सिर पे हल्का सा मारा और बोला अरे पैन की। रोमियो ने बोला कि ऐसे वाले जोक्स दोबारा मत करना, समझी। रोमियो की लॉयल्टी से फिर से सूरज निकल आया और चार कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चौंक गई क्योंकि उसे पहले कभी किसी ने इतना कूल तरीके से मना नहीं किया था। गुस्से में उसने रोमियो के कंचों को किक मारी और उसको गिफ्ट ढूंढने के लिए अकेला छोड़ दिया। स्कूल वापस जाते वक्त चार को याद आया कि कैसे उसको बचपन में तानाशाह राजकुमारी बोला जाता था क्योंकि वो महल के सब नौकरों के साथ बहुत रूड बिहेव करती थी। उसका रूड और सेल्फिश एटीट्यूड काफी टाइम तक चला जब तक उसकी मुलाकात अमीर बैरन की बेटी जूलियट से नहीं हुई जिसने उसको एक बिगड़ी पापा की परी बोला और उसको डांटा और वो मोमेंट उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन चार ने फिर भी लोगों को परेशान करना जारी रखा और जूलियट के अलावा कभी किसी ने उसको ऐसे डांटा नहीं था, लेकिन उसको डांटने वालों की लिस्ट में रोमियो भी शामिल हो गया। फिर चार एक अंधेरी गली में भटक गई और जैसे कि उम्मीद थी दो बदमाश टाइप के बंदों ने उस पर अटैक कर दिया और दोनों ने चार को धमकी दी और बोला कि वो उसको बताएंगे कि लॉलीपॉप के अंदर से व्हाइट वाली क्रीम कैसे निकलती है। लेकिन प्रिंसेस कोई छोटी बच्ची नहीं है और उसने अपनी टांग फैलाकर किक मारी और एक बंदे को एक ही हमले में बेहोश कर दिया। दूसरे का भी वो काम तमाम करने ही वाली थी। तभी एंट्री होती है रोमियो की। वो बदमाश सोचने लगा कि रोमियो के साथ मिलकर वो दोनों गैंग बैंग करेंगे उसका, पर रोमियो उस डरपोक पे हंसा और उस बेचारे का सिर सीधा एक दीवार में घुसा दिया। चार ने थोड़े से एटीट्यूड में पूछा तू वापस क्यों आया, मुझे बचाने या फिर माफी मांगने। लेकिन रोमियो अपने स्वैग में बोला मैं तो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वो जूलियट की दोस्त है। ये सुनते ही प्रिंसेस थोड़ा शॉक में चली गई और उसको समझ आया कि रोमियो सच में जूलियट से कितना प्यार करता है। लेकिन अपनी ऑकवर्ड वाली फीलिंग को छिपाने के लिए वो पागल की तरह हंसने लगी और उसको बेवकूफ बोल के कंफ्यूज कर दिया। टाउन से बाहर निकलने से पहले चार ने रोमियो को बताया कि जूलियट ने अपने बर्थडे वाली रात को उससे मिलने के लिए हॉस्टल से निकलने के लिए उसकी मदद मांगी है, जिसको सुन रोमियो नई नवीली दुल्हन की तरह शर्मा गया और प्रिंसेस ने कन्फेस किया कि वो उससे जलती है क्योंकि वो जूलियट को उसकी चिंता न करने वाली साइड बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, जिसका मतलब है कि वो जूलियट के लिए स्पेशल वाला बंदा है। फिर चार ने रोमियो को एक गिफ्ट बैग दिया और बोला कि इसमें जूलियट के लिए एक स्पेशल वाला गिफ्ट है और वो चली गई। रोमियो क्यूरियस था तो जैसे ही उसने बैग ओपन किया तो वह शॉक हो गया जिगली विगली को सपोर्ट करने वाला आइटम देखकर। रोमियो कर्फ्यू से बचने के लिए हॉस्टल दौड़ के जाने लगा, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले जूलियट का तीर उसका पिछवाड़े का निशाना चूक गया और तीर में मैसेज था कि वो उससे लाइब्रेरी में मिलना चाहती है। जैसे ही रोमियो लाइब्रेरी पहुंचा उसके परखच्चे उड़ गए जब जूलियट ने उसको सरप्राइज दिया और बोला कि वो अपना बर्थडे उसके साथ बनाएगी। लेकिन रोमियो ऐसा दिखाता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको सुन जूलियट थोड़ी राहत की सांस लेती है क्योंकि उसको याद है रोमियो और उसके दोस्तों की पुरानी आदत, हर बर्थडे में वो आ जाते हैं अपनी व्हाइट वाली क्रीम उसको चखाने और सब बिगाड़ने। वो कहती है कि इस बार वो ऐसा तो नहीं करेंगे ना। रोमियो ने प्रॉमिस किया कि इस बार सब डिफरेंट होगा और जब उसने पूछा कि बर्थडे पे जूलियट को क्या चाहिए, थोड़ी देर सोचकर जूलियट बोली कि उसको लॉलीपॉप चूस उसको ज्वेलरी चाहिए। रोमियो ने प्रॉमिस कर दिया, वो उसको लेके देखा। पर जैसे ही वो हॉस्टल वापस आया तो क्या देखता है कि सुकी उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी है और जब वो पास गया तो उसको अंदर उसका बड़ा वाला भाई आरू खड़ा दिखा। आरू सीधा रोमियो के पास आया और उसे पूछने लगा ये तेरे रूम में ये नेकलेस क्या कर रहा है। रोमियो कुछ बोलता उससे पहले सुकी ने उसको बताया कि उसने उसके लिए ये खरीदा था। रोमियो मन ही मन में सुकी को थैंक यू बोलता है, पर तभी आरू ने नीला जिगली विगली को सपोर्ट करने वाला आइटम निकाला जो चार ने उसको दिया था। अब तो सीन और ज्यादा स्पाइसी हो गया क्योंकि सुकी ने भी इस बार उसको कवर करने से मना कर दिया क्योंकि उसके जिगली विगली का साइज बड़ा है। आरू बोलता है कि पिछले कुछ दिनों से वो कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, कहीं वो उस व्हाइट
कैट वाली लड़की से प्यार तो नहीं करने लगा है? आरो ने वार्निंग दी, अगर उसका शक सही निकला तो वो उसे स्कूल से निकाल देगा और फैमिली जायदाद का उसको एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। रोमियो फटाफट सफाई देने लगा कि वो किसी व्हाइट कैट की लड़की से नहीं मिल रहा है, लेकिन आरो को यकीन नहीं आया। उसने रोमियो को कॉलर से पकड़ के सीधा उठा दिया जैसे कोई पेपर का टुकड़ा हो। काचू और टेरिया उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे ताकि आरो उसका गला न घोट दे। आखिर आरो ने उसको छोड़ दिया, पर पनिशमेंट भी तो देनी है, इसलिए आरो ने बोला, जब तक तू अपनी बेगुनाही प्रूव नहीं कर देता है तब तक तू निगरानी में रहेगा और उस पर अच्छी तरह से नजर रखी जाएगी। रोमियो के लिए ये एक बुरी खबर है क्योंकि एक हफ्ते बाद जूलियट का बर्थडे है और उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके पास जरूर आएगा, और वो अपने रूम में बैठा अपने आप को यूजलेस फील करने लगता है। अगले दिन जूलियट और व्हाइट कैट की किचन की नौकरानी काफी सीरियस मोड में थी और वो दोनों वेट कर रही थी जूलियट की कुकीज को बेक होने का। जब कुकीज बाहर आई तो नौकरानी तुरंत तारीफ करती है, वाह दिख तो सुंदर रही है। जूलियट ने सोचा कि चलो अपनी किस्मत आजमाते हैं, और सरप्राइजिंगली कुकीज का टेस्ट तो नेक्स्ट लेवल निकला। नौकरानी ने बोला कि उसको उसके हार्ड वर्क का फल आखिरकार मिल ही गया। जूलियट ने कुछ स्पेशल कुकीज चार को भी दी और चार ने बोला मौज कर दी, ये तो टेस्टी है। तभी उन्होंने देखा रोमियो कुछ ब्लैक डॉग के प्रीफेक्ट के साथ चलता हुआ आ रहा था। स्कॉट खुश हो गया अपने राइवल को वीक और शांत देखकर जब वो ब्लैक डॉग के पावरफुल लीडर के साथ चल रहा था, लेकिन जूलियट ने तुरंत नोटिस किया कि रोमियो का एटीट्यूड कुछ ऑफ लग रहा है। जब सब चल रहे थे काचू अचानक रुके और रोमियो से पूछा कि उसके और उसके भाई में आपस में बनती क्यों नहीं है। टेरिया ने उसको ये पूछने के लिए डांटा, लेकिन रोमियो ने सोचा चलो बचपन की कहानी बता ही देता हूँ। और फिर रोमियो ने बताया कि जब उसका छोटा था, मेरा मतलब है कि जब वो छोटा बच्चा था, तो आरु हमेशा उसके साथ काफी कठोर था, और जब भी वो कोई गलती करता था तो उसके पिछवाड़े को तब तक पेला जाता था जब तक कि उसका पिछवाड़ा बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल नहीं हो जाता था। अब वर्तमान में भी आरु उतना ही स्ट्रिक्ट है, छोटी से छोटी गलती पे उसकी लंका लगा देता है, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं वो रोमियो को हर बात पर डांटता है। और अब रोमियो के पिछवाड़े को लाल करने की जिम्मेदारी आरु ने फिर से ले ली है। और दूसरी तरफ स्कॉट और व्हाइट कैट के लड़के हॉस्टल के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो कैसे जूलियट को बेस्ट बर्थडे पार्टी दे सकते हैं। फिर एक दिन आरु ने रोमियो को डोजो में उससे फाइट करने को बोला और आरु फिर उसको अच्छे से पेलता है, और जब रोमियो फ्लोर पर गिरता है तो आरु उसको बोलता है, उठ एक मर्द की तरह लड़, छोटी बच्ची है क्या। और दूसरी तरफ छोटी बच्ची सुकी का दिल टूट रहा था जब वो रोमियो को इतने दर्द में देखती है, इसलिए फाइट के बाद उसने रोमियो को पकड़ा और उसको हॉस्टल वापस ले गए अपने साथ। लेकिन सुकी को सबसे ज्यादा शॉक तब लगा जब रोमियो ने बताया कि वो जानबूझकर अपने भाई से सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से आरु ने भी उसको कम ताकत लगाकर पेला, क्योंकि उसका प्लान है जूलियट के बर्थडे की रात को उससे मिलने का। सुकी ने उसको वार्निंग दी कि ये काम मत करना, ये बेवकूफी भरा काम है, पर रोमियो ने तो अपना मन पहले से ही बना लिया है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जूलियट एक खंभे के पीछे छुपी हुई थी। जैसे ही रोमियो चला गया, जूलियट बाहर आई और सुकी से पूछने लगी कि बता बहन क्या सीन है। रात को रोमियो अपने रूम से छुपके से निकलता है सीधा वहाँ जाने के लिए जहाँ वो जूलियट से मिलने वाला है, लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला होता है एक आवाज आती है, कहाँ निकली सवारी। जैसे उसने मुड़ के देखा तो आरु गेट के पास एक चौकीदार की तरह खड़ा था। आरु ने रोमियो को वापस रूम में जाने को बोला। जब रोमियो ने मना किया, आरु ने चिल्ला के बोला, तेरी इतनी हिम्मत मेरे ऑर्डर को इग्नोर करेगा, लड़ने की ताकत है तुझमें। तभी रोमियो अपने बड़े भाई पे मुक्का मारता है, लेकिन आरु आसानी से उसके मुक्के से बच जाता है और एक माइक टायसन स्टाइल में पंच मारता है और रोमियो जमीन पर पसर जाता है। आरु ने उस रात रोमियो को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन रोमियो को ऑलरेडी पता था कि ऐसा होगा, इसलिए जब आरु वापस हॉस्टल चला गया तो काचू और टेरिया रोमियो को बचाने आए और पता चला कि रोमियो ने दोनों लड़कियों को पहले ही अपने प्लान के बारे में बता दिया था। पहले तो दोनों हॉस्टल रूल्स को तोड़ने में थोड़ा डर रही थी, पर बाद में आरु को हराने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए दोनों मान गई। रोमियो ने उन दोनों को थैंक यू बोला और अपनी गर्लफ्रेंड जूलियट से मिलने के लिए भाग गया। लेकिन उसके दिमाग में जूलियट के ख्याल आते हैं, पर उसकी ताकत खत्म होने लगती है और वो दर्द के मारे जमीन पर गिर गया। सौभाग्य से जूलियट टाइम पे पहुंच गई और उसका सिर अपनी सॉफ्ट सॉफ्ट जांघों पर रख लिया। जब रोमियो ने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो जूलियट बोली कि वो उसको रोकने आई है एक बड़ी मिस्टेक करने से। जूलियट ने बताया कि सुकी ने उसको सारी चुगली कर दी है कि कैसे
उसका भाई वाइट कैट लड़की के साथ डेट करने के शक के कारण उसकी लाइफ की लंका लगाने पे लगा पड़ा है। जूलियट आंसुओं से भरे चेहरे के साथ रोमियो को टाइटली गले लगाती है और कहती है कि हमें अपना रिश्ता खत्म करना होगा जिससे वो अपने भाई और दूसरे प्रीफेक्ट से बच सके। अगली सुबह जब स्कॉट और उसकी किटी गैंग जूलियट के बर्थडे पार्टी का प्लान डिस्कस कर रहे थे, रोमियो एक मूव फॉर एंट्री करता है। उसने जूलियट से आंखें मिलाई लेकिन जूलियट ने उसे दूर से देखकर अपना रास्ता चेंज कर लिया। रोमियो ने जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की उसने देखा कि जूलियट जानबूझकर उससे दूर भाग रही है। रोमियो उसका पीछा करता है और उसको एक कोने में घेर लेता है और फिर जूलियट उसको एक ब्लो जॉब। जूलियट कंप्लेन करती है कि उसका भाई हमें साथ में देख लेगा तो रोमियो ने बोला कि चिल मारो, आरू क्लास में बिजी है। जूलियट रोमियो की हेल्थ को रिस्क में नहीं डालना चाहती है अपने अमर प्रेम के लिए, इसलिए उसने रोमियो को जोर से धक्का दिया और बोला निकल लड़िया और वो वहाँ से चली गई। बाद में जब सुकी ने रोमियो को पड़ा देखा तो वो मरी लाश की तरह लग रहा था, तो सुकी जल्दी से उसको क्लिनिक ले गई और उसको बोला कि वो एक गधे का बच्चा है क्योंकि वो उसकी नहीं सुनता है। लेकिन रोमियो को सुकी की डांट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अभी भी सोच में लगा हुआ है कि जूलियट ने कैसे उसको कचरे की तरह फेंक दिया है। तभी सुकी ने आइडिया दिया, चलो क्लास बंक मारते हैं और कुछ मस्ती करते हैं। वो उसको गेम रूम में ले गई और उन्होंने बिलियर्ड से शुरू किया। सब सही चल रहा था पर मामला थोड़ा नॉटी हो गया जब रोमियो ने गलती से अपने क्यू स्टिक सुकी के मिल्कर्स में घुसा दी। अश्लील है ये लोंडा। फिर वो दोनों पेटिंग जू गए जहां सुकी ने रोमियो को दिखाया कैसे भेड़ों के साथ दोस्ती की जाती है, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया क्योंकि सारे मर्द भेड़ों में फाइट शुरू हो गई कि कौन कौन सुकी की चाटेगा। मेरा मतलब है कि कौन कौन सुकी को चाटेगा। वो बेल टावर गए और नजारे के मजे लेने लगे पर तभी सुकी की दुनिया हिल गई और वो गिरने वाली थी पर रोमियो ने फुल हीरो मोड में आकर उसको पकड़ लिया। रोमियो के इतने करीब होने से सुकी का दिल फॉर्मूला वन रेस की तरह धक-धक करने लगा। उसने अपने आप को रोमियो से दूर किया और अपने इमोशंस को काबू में करने के लिए अपने सिर को दीवार में पटक दिया, वो भी 3-4 बार। रोमियो ने बोला यहां से कल्टी मारते हैं क्योंकि यहां पर जान का खतरा है, तो सुकी ने बोला ठीक है हम नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे। लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन रोमियो को जूलियट की याद दिलाने लगे। फिर वाइट कैट डॉम में जूलियट उस नेकलेस को देख रही थी जो रोमियो ने उसको दिया था। तभी चार वहां आई और जूलियट से बोला चलो नीचे बर्थडे पार्टी है यार, आज बर्थडे पार्टी करेंगे। चार ने जूलियट के हाथ में वो कुकीज देखी जो उसने रोमियो के लिए बनाई थी। जब चार ने उससे पूछा कि अब तक उसने कुकीज दी क्यों नहीं तो जूलियट ने झूठ बोला कि ये कुकीज तो उसने उसके लिए बनाई है। पर चार जूलियट के इमोशंस को समझ गई और उसे पता चल गया कि रोमियो और जूलियट के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर जूलियट ने फाइनली उसका सच बता दिया और चार ने उसको टाइटली गले लगा लिया। उस पूरे अजीब एडवेंचर वाले दिन के बाद रोमियो ने सुकी को थैंक्स बोला उसकी एनर्जी वापस लाने के लिए, लेकिन सुकी ने बोला चल झूठा तेरी मां। लेकिन सुकी ने बोला चल झूठा, तुम्हारी आंखों से दिख रहा है कि तुम अभी भी जूलियट के बारे में सोच रहे हो। इस छोटी सी हार की वजह से सुकी रोते हुए बोली कि वो उसके लिए काफी नहीं है भले ही उसके मिल्कर्स जूलियट के मिल्कर्स से बड़े ही क्यों ना हो। रोमियो ने अपनी गलतियों के लिए खुद को मुक्का मारना शुरू कर दिया और उसके इस अजीब बर्ताव से पता नहीं क्यों सुकी खुश हो गई और दोनों हंसी मजाक करने लगे। तभी चार अचानक से एक पेड़ से नीचे टपक गए। चार ने सुकी के मिल्कर्स को चाटा मारकर हिला डाला और बोला कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसको काफी टाइम पहले ही रोमियो का दिल जीत लेना चाहिए था अपनी दूध की थैलियों का इस्तेमाल करके। इसके बाद चार ने रोमियो को एक रैपर दिया जो कुकीज से भरा था और बोला जूलियट ने ये उसके लिए बनाई है इसलिए वो उसको दे रही है। रोमियो के तो खुशी के आंसू निकल आए क्योंकि जूलियट की कुकीज का टेस्ट एकदम जबरदस्त था। उसको एहसास हुआ कि पिछली बार जो कुकीज उसने जलाई थी उसके बाद से जूलियट ने अपनी बेकिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए कितनी मेहनत की होगी और ये सब उसने उसके लिए किया। रोमियो को फिर से खुश देखकर सुकी भी एकदम खुश हो गई। फिर क्या, उसने रोमियो को इनवाइट किया कि वो ब्लैक डॉग के एनुअल बर्थडे बर्बाद करने के रिचुअल में जुड़ जाए। दूसरी तरफ जूलियट व्हाइट कैट प्रीफेक्ट के साथ स्कूल छोड़ने का परमिट लेने के लिए प्लान डिस्कस कर रही थी जब एक गंदी शक्ल वाला स्टूडेंट आया और बताने लगा कि रोमियो और उसका गैंग व्हाइट वाली जूसी क्रीम के साथ आ गया है। पर असली शौक तो तब लगा जब स्कॉट और उसका गैंग भी व्हाइट वाली जूसी क्रीम लेकर आ गया और धमकी दी कि उनको उसकी व्हाइट वाली क्रीम खानी होगी क्योंकि ये उसने उनके लिए स्पेशल निकाली है। क्या बोला तूने? सुकी ने अपनी पाई उसको दे मारी और ये देखते ही दोनों टीम्स के बीच में एक जबरदस्त जूसी व्हाइट क्रीम वाली फाइट शुरू हो गई जिससे रोमियो को पूरा चांस मिल गया अपने लवर को ढूंढने का और वो ढूंढने निकल गया। हॉस्टल के कोने कोने में एक खास एरिया में पहुंचने पर रोमियो पर सोमाली ने हमला कर दिया और रोमियो सोमाली से पूछता है कि उसका पार्टनर कहाँ है। तभी
एक गंदी शिकल वाले बाबा जी की एंट्री होती है, जिन्होंने अपना नाम एबी बताया। रोमियो को पहले तो यकीन नहीं हुआ, पर एबी ने समझाया कि जब गेम्स फेस्टिवल में उसको चीट करते पकड़ा गया था, तब से उसको देश निकाला दे दिया गया है। लेकिन एबी का प्लान अभी भी व्हाइट कैट टीम को कंट्रोल करने का है। रोमियो को थोड़ी बहुत उस गंदी शक्ल वाले गरीब पर दया तो आई, लेकिन वो किसी को भी उसको रोकने नहीं देगा। जूलियट से मिलने से जब उसको लगा कि सोमाली एक इशू बन सकती है, तो रोमियो ने उसको बेवकूफ बनाने का प्लान बनाया। उसने सोमाली को ये कहा कि एबी जेलस है क्योंकि उसने उसको काफी टाइट पकड़ रखा है और सोमाली के मिलकर उसको टच हो रहे हैं, इसलिए उसने रोमियो को छोड़ दिया और एबी को कसके पकड़ लिया। अपनी खोज जारी रखते हुए रोमियो ने देखा कि अब वो व्हाइट कैट के एक दर्जन से ज्यादा लड़कों के बीच में फंस गया है, वो भी दोनों साइड से। फिर लड़के देखते हैं कि कैसे रोमियो जादू से गायब हो जाता है, पर असल में व्हाइट कैट के एक बंदे जिसका नाम कैट है, उसने उसको ऊपर खींच के बचा लिया। वो लड़का भले ही हार्मलेस लग रहा था, लेकिन रोमियो को उसके बारे में कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। फिर भी उसने उस क्रीपी स्टूडेंट को बचाने के लिए थैंक यू बोला और नीचे कूद गया। लेकिन कैट ने बोला, अरे थोड़ा वेट तो कर यार, मैं तुझे जूलियट की असली लोकेशन के बारे में बता सकता हूँ। हालांकि तभी प्रीफेक्ट मिस साइबर वहाँ आ गई और उनकी बात बीच में ही रह गई। रोमियो तो ये देखकर शॉक हो गया कि कैट तो बाय कैट का प्रीफेक्ट है। साइबर ने रोमियो को बताया कि रेक्स जो कि एक माचो प्रीफेक्ट है, उसने नीचे सबको अपनी व्हाइट वाली जूसी क्रीम खिला दी है, और हालांकि कैट को फाइट पसंद नहीं है, फिर भी उसने रोमियो को डॉम ड्यूल के लिए चैलेंज किया। दूसरी तरफ जूलियट, जिसे कैट ने रोमियो के आने पर स्टोरेज रूम में लॉक कर दिया है, सोच में पड़ जाती है कि कैसे वो इस जेल से बाहर निकलेगी। उसे समझ आया कि एक ही रास्ता है, वो भी खिड़की से। और दूसरी तरफ जिस तरह से रोमियो आर से ठुकवाई करवा रहा था, ठीक उसी तरह से कैट से भी वो ठुकवाई करवाने लगता है और उस पर एक हमला भी नहीं कर पाया। पर व्हाइट कैट के प्रीफेक्ट ने नाच नाच के उसकी लंका लगा दी और उसकी बैंड बजा दी, वो भी माइकल जैक्सन स्टाइल में। लेकिन फिर रोमियो के दिमाग में एक आइडिया आया, वो खड़ा हुआ और प्रीफेक्ट की तरफ भागा, अपनी जैकेट का यूज करके कैट का ध्यान उसे भटकाया और फिर बेल्ट से उसके दोनों पैरों को बांध दिया। कैट इम्प्रेस हुआ, लेकिन रोमियो में उस जैसे एक्सपर्ट को हराने की ताकत नहीं है, इसलिए रोमियो सीधा खिड़की की तरफ भागा और बिल्डिंग से बाहर कूद गया। जब सब शॉक में देख रहे थे, कॉर्ट ने नोटिस किया कि रोमियो किसी तरह बच गया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब रोमियो ने जंप लगाई थी तो जूलियट ने उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था और उसे बचा लिया था। इस बीच ब्लैक डॉग हॉस्टल में टेरिया और काचू ने आरू को इन्फॉर्म किया कि उनके सभी स्टूडेंट्स ने व्हाइट कैट हॉस्टल में जंग छेड़ दी है। आरू को फटाक के समझ आ गया कि रोमियो भी उसमें शामिल होगा। दूसरी तरफ जूलियट ने रोमियो को बताया कि वो स्टोरेज रूम की खिड़की से एक खतरनाक बैल्कनी क्रॉस करके आई है। रोमियो उसकी हिम्मत को देखकर इतना हैरान हुआ कि वो उसको पगली बोलता है, लेकिन जूलियट ने बोला उससे ज्यादा तो वो पागल है और उसकी चकल भी गंदी है टट्टी जैसे, क्योंकि उसने उससे मिलने के लिए अपनी जान रिस्क में डाल दी थी। और तभी रोमियो को कुछ याद आया और उसने जूलियट के कंधे पे हाथ रखा और बोला हैप्पी बर्थडे। जूलियट सरप्राइज थी कि रोमियो ने सिर्फ एक सिंपल बर्थडे विश करने के लिए इतनी परेशानी उठाई, जबकि उसने पहले ही उसको बोल दिया था। पर रोमियो ने बोला वो उसको कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि हम दोनों सोलमेट्स हैं। उस बात ने जूलियट का दिल हिला दिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा मैं कभी नहीं चाहती थी कि हम अलग हो जाएं। जूलियट ने कन्फेस किया कि वो रोमियो से पागलों की तरह प्यार करती है। उसके ये वर्ड सुनकर रोमियो की आंखों में से भी आंसू आ गए, लेकिन जब जूलियट ने पूछा कि क्या हुआ, उसने बोला कि उसकी आंख में कचरा चला गया है। जूलियट ने रोमियो की तारीफ की उसकी हिम्मत के लिए और फाइट करने के लिए, वो भी इस फॉरबिडन रिलेशनशिप के लिए, और इसी पागलपंती की वजह से वो उसके साथ रहेगी हमेशा के लिए। तभी आरू व्हाइट कैट हॉस्टल में आया और उसने सब ब्लैक डॉग्स को कहा कि सब घुटनों पर बैठे रहेंगे, ये तुम्हारी पनिशमेंट है तुम्हारे बर्ताव के लिए। और उसने सूकी को बोला कि वो लड़कों पर नजर रखे जब तक वो रोमियो को ढूंढता है। और जैसे ही आरू गया, सूजी और तोशा भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें माचो मेड रैक्स ने रोक दिया। रैक्स बोला अगर तुम मुझे एक क्यूटनेस कॉम्पिटिशन में हरा दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो फिर लड़कों ने अपने क्यूट चाल ढाल से उसको इम्प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। रेक्स ने अपनी मुट्ठियां घुमाई और सीधा उनके फेस में मुक्का मारा। वो दोनों सीधा सूकी के पीछे चप गए और उससे विनती करने लगे कि वो अपना जिगली विगली वाला जादू यूज करके उन्हें जीतने में मदद करे। तभी वहाँ मारू अचानक से आ जाता है। सूजी और तोशा अपने बॉस को देखकर शॉक हो गए और समझ गए कि बॉस उन पे नजर बनाए हुए होंगे इतने टाइम से, पर मारू मना करता है। लेकिन रेक्स उसके प्यार भरे वाइब से इतना खुश हुआ कि वो हार मान गया। दूसरी तरफ अपने रिश्ते को सीक्रेट रखने के लिए जूलियट और रोमियो एक दूसरे की तरफ भागे और एक दूसरे के चेहरे पे व्हाइट वाली जूसी क्रीम दे मारे, ताकि रोमियो ने जो जूलियट के चेहरे पे व्हाइट वाली क्रीम निकाली है वो गायब हो जाए। समझ रहे हो आप
समझ रहे हो? मेरा मतलब है कि ताकि सबको लगे कि वो अब भी राइवल हैं, रोमियो ने सबके सामने अनाउंस किया इस साल का फूड फाइट कंपटीशन ड्रॉ हो गया है और चलो घर वापस चलते हैं। लेकिन सब शॉक हो गए जब आरू एंट्रेंस पे उनका इंतजार कर रहा था और रोमियो को बोलता है कि वाह क्या एक्टिंग है। रोमियो बोला कि वो मजे लेने के लिए पनिशमेंट नहीं दे सकता है, लेकिन आरू सीधा उसके पास आया और उसके फेस पे बोल दिया कि रोमियो और जूलियट सीक्रेट लवर हैं। ये सुन के सब एकदम चौंक गए और जूलियट ने फटाक से रिएक्ट करते हुए आरू को झूठा बोला। आरू ने बोला कि उसको रोमियो के कमरे में एक नेकलेस मिला है, अगर ये जूलियट के गले वाले नेकलेस से मैच करता है तो ये दोनों सच में लवर होंगे। लेकिन जूलियट ने कहा निकल। आरू ने देखा कि वो काफी कॉन्फिडेंट है और उसने अपना दूसरा प्रूफ निकाला, एक ब्लू ब्रा जो चार ने रोमियो को दी थी। आरू बोलता है कि मुझे ये रोमियो के रूम में मिली है और अब वो कंफर्म करवाएगा अपने प्रीफेक्ट काचू से कि ये जूलियट के साइज का है या नहीं। कैट आरू की बकवास सुन के थक चुका था और वो आरू के पास गया और बोला अब निकल यहाँ से। इसके बाद दोनों ने रोमियो और जूलियट को पकड़ लिया और कुछ पूछताछ के लिए दोनों को ले जाया गया। जैसे ही रोमियो जूलियट से दूर गया उसके दिमाग में उनके प्यार की पुरानी यादें ताजा हो गई। लेकिन जब उसको लगा कि उनका प्यार फाइनली खत्म हो गया है, जूलियट ने सीधा उस पर तलवार फेंक दी और उसे ड्यूल के लिए चैलेंज कर दिया। रोमियो फुल शॉक में था क्योंकि भाई तलवार अकेली थी, जब तक उसे कुछ समझ आता कि चल क्या रहा है। जूलियट ने छलांग लगाई और अपने हथियार से रोमियो की तलवार पर अटैक कर दिया। वो नीचे आके फाइट करने लगे और बाकी सभी स्टूडेंट डर गए। लेकिन जूलियट तो फुल जोश में थी अपने आप को बेगुनाह प्रूफ करने के लिए, पहले से ज्यादा जोश में आके लड़ने लगी। लेकिन आरू को ये सारा ड्रामा कुछ ज्यादा ही फेक लग रहा था। उसने नोटिस किया कि रोमियो अपनी पूरी ताकत से फाइट नहीं कर रहा है। जब रोमियो को समझ आया कि जूलियट के प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसको भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, तो वो पागलों की तरह हंसने लगा और फुल ऑन विलेन मोड में आ गया और जूलियट को धमकी दी कि वो उसको पताल के गड्ढे में डाल देगा अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए। दोनों ने इतनी जोर से अटैक किया कि उनके हमले से एक रोशनी का फ्लैश निकल आया और वे दोनों डायरेक्ट स्कूल के क्लिनिक में पहुंच गए। इस छोटे से स्टंट ने उनके दोस्तों को लेट नाइट तक जगा के रखा, लेकिन उन सबको ये नहीं पता था कि फाइट के बीच में रोमियो और जूलियट ने एक दूसरे के पेंडेंट पे मार के सब कुछ रियल बनाने का नाटक किया था। एक दूसरे के नेकलेस को तोड़ने के लिए वो एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और फिर रोमियो ने अपनी जेब से एक रिंग का जोड़ा निकाला जो उसने जूलियट को बर्थडे पे देने का प्लान बनाया था, बिल्कुल शादी के प्रपोजल की तरह। प्यार में पागल रोमियो अपने घुटनों पर बैठ गया जूलियट की उंगली में रिंग पहनाने के लिए और बोला कि वो उसका वेट करेगा तब तक जब तक वो स्ट्रांग नहीं हो जाता है उससे लीगली शादी करने के लिए। कुछ बोले बिना जूलियट उसे गले लगाने के लिए उस पर कूद गई और अपने चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल के साथ प्रॉमिस किया कि वो अपने सपनों और प्यार के लिए दुनिया बदलने का ख्वाब कभी नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे 100 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी ही पूरे हो जाए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।